हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बल्ब में जो है इस तरह से ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है, तो इसको रिपेयर करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोल के इसका MCPCB को देखेंगे। तो इसके लिए हम इसका डिफ्यूजर को खोलते हैं। तो अब हमें इसका MCPCB को चेक करना है, एक एक LED को शॉर्ट करके, कहीं इसका LED में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चिमटे की सहायता से इसको देखना है। तो इसका प्रत्येक LED वर्क कर रहा है और कोई भी LED ख़राब नहीं है। तो इसका ड्राइवर में प्रॉब्लम है, तो इसके ड्राइवर को हम खोल के देखते हैं। तो ड्राइवर को खोलने के लिए सबसे पहले इसको रिमूव करना होगा। तो इसको हमने यहाँ से रिमूव कर लिया है। अब जो है इसका सोल्डिंग वायर को यहाँ से हटाना है। तो इसको यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है और अब इसको यहाँ से इस तरह से निकालना है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे इसको रख लेते हैं और इसमें ये वाला इस तरह से अंदर करके और इसको यहाँ से हल्का सा टॉक देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर हो चुका है और इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये पूरा स्पार्क कर रहा है। इसका जो ट्रांसफार्मर है, तो इसको ट्रांसफार्मर नहीं, ड्रम कॉइल कह सकते हैं, ये ड्रम कॉइल है। तो यहाँ से इसको हमें चेंज कर देना है क्योंकि ये पूरी तरह से टूट चुका है। और अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो इसको थोड़ा सा सोल्डिंग बढ़िया से कर दें इस तरह से। तो अब देखते हैं इसको हम जला के कि ये जलता है या नहीं जलता है, और जलता है तो इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है या नहीं के देखते हैं। तो ये रहा वायर फ्रेंड्स, और इसमें हम देखते हैं। तो देखिए अभी भी इसमें ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है ही। तो इसके लिए हमें इसका ड्रम कॉइल जो है इसको चेंज करना होगा, इस वाले कॉइल को। तो इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं। तो ये वाला जो है इसको हम इसमें लगाते हैं। तो इसमें प्लस माइनस देखना नहीं है, इसको आप किसी तरफ से भी इसमें लगा सकते हैं। तो इसको इस तरह से बिठाने के बाद इसको सोल्डिंग जो है इसका सोल्डिंग इसको इस तरह से हटाना है और इधर से पीछे की तरफ से इसको पुश करना है जिससे ये आसानी से इसमें आ जाए। और अब इस पर हमें अच्छे से सोल्डिंग करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लग गया। और इसका कैपेसिटर जो है ये भी थोड़ा फुला हुआ है और ये जो है पूरा ब्रेक हो चुका है यहाँ से, देखिए फ्रेंड्स। तो इसका कैपेसिटर को भी हम चेंज करेंगे। तो इसका कैपेसिटर को भी चेंज करते हैं। तो कैपेसिटर लगाने से पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है प्लस और माइनस का। तो इसमें हमें ये कैपेसिटर लगाना है 47 से 100। तो इसमें फ्रेंड्स ध्यान देना है कि इधर जो है ये माइनस वाला पॉइंट है जिस साइड ब्लैक है, और इस तरफ जो है प्लस वाला पॉइंट है। तो कैपेसिटर का माइनस ये वाला है, बाकी इस साइड देखिए कुछ भी मार्क नहीं है। तो ये प्लस है और इस साइड माइनस है। तो माइनस वाला जो पॉइंट है वो ब्लैक की साइड लगाना है इस तरह से। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो भी वायर इधर शॉर्टेज है ये सबको यहाँ से अच्छी तरह से साइड कर लेना है।
जिससे कि ये शॉर्ट ना रहे। और अब हम इसको जला के देखते हैं कि ये जलता है या नहीं जलता है। तो ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर इतना के बावजूद भी नहीं बनता है तो सिंपली आपको दो किट लेना है, एक ये वाला फ्रेंड्स जो कि 155 जे है और 400 वोल्ट, और ये। तो इस दोनों का नाम जो है हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। तो इसको इस तरह से लगा लेना है फ्रेंड्स, इस तरह से इस दोनों को लगा लेना है, और इसको भी इस तरह से यहाँ इस साइड में लगाने लगा है। और ये दोनों जब लग जाए तो सिंपली आप एक जो है इस वाले वायर में कनेक्ट कर दें इसको। और बाकी इधर जो भी कंपोनेंट है सभी को रहने दें। और इसका जो है प्लस वाला और माइनस वाला डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट करना है। तो इसको यहाँ से हमें रिमूव कर देना है, ये वाले किट को। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं पहले। ये रिमूव हो गया। और अब हमें इस वाले वायर को जो है यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट है रही, और ये वाला जो वायर है प्लस वाला ये यहाँ पे आया है। तो इसको मल्टीमीटर से चेक कर लेना है फ्रेंड्स। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूसली मोड पे रखना है। देखिए फ्रेंड्स, तो इसको यहाँ से हमें इसमें कनेक्ट चेक करना है, और ये जो है यहाँ पे चला आया। तो इस वाले वायर को जो है यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, या फिर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जम्फर कर सकते हैं। तो एक इस छोटे से तार की मदद से हम यहाँ से यहाँ जम्फर कर देंगे। तो इसको चिमटा से हमें पकड़ना होगा इस तरह से। और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। और इसको जो है डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देना है इस तरह से। और बचा वायर जो है इसको हमें कट कर लेना है। तो इसको हम कट कर लेते हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स, एक लाइन इसमें हमें देना है इस वाले किट में, सॉरी एक लाइन इस वाले पॉइंट पे हमें देना है, और एक लाइन जो है इस वाले वायर में देना है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।